करता हूँ, तो आज कैश के नतीजे आएंगे जेट एयरवेज के, तो वहां पे आपको नजर रखनी है। और देश भर में आज से फास्टैग फाइनली अनिवार्य हो चुका है, तो आप अगर गाड़ी लेके जाते हैं और टोल पड़ता है तो याद रखिए आपको फास्टैग लेके जाना है। दिल्ली हाईकोर्ट में जीएसटी एंटी प्रॉफिटरिंग मामले में सुनवाई होने वाली है। एलएनटी फाइनेंस सर्विसेज यहाँ पे राइट इशू बंद होगा, इसकी रिकॉर्ड डेट 22 जनवरी की थी और राइट इशू प्राइस जो था 65 का था। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन डीलिस्टिंग बिड बंद होने वाली है। प्रमोटर ने 25% हिस्से के लिए प्रस्ताव दिया था, 44.64 रुपीस प्रति शेयर के भाव पे फ्लोर प्राइस रखा गया था। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ नजर रखिए, पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी हरकत भी देखने मिली है। आज इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस और अंतरिम डिविडेंड पे विचार होने वाला है। नतीजे आए ओएनजीसी के थोड़े कमजोर नतीजे नजर आ रहे हैं क्योंकि मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, करीब 5% के आसपास की, मुनाफा करीब 52% के आसपास गिरा है। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड दिया है 1.75 रुपए प्रति शेयर का। इन्फो एज यहाँ नतीजे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं क्योंकि कंपनी का देखिए मुनाफा जो है उसमें करीब 36% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, 58 करोड़ का अनुमान था 70 करोड़ पे इन्फैक्ट किया है और एबिटा मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। जीएमआर इंफ्रा यहाँ काफी कमजोर नतीजे है, कंपनी के जो मुनाफा है उसमें चार टाइम्स के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली और भारी भरकम घाटा इस कंपनी ने किया है, तो उसका एक इम्पैक्ट। इसके अलावा मार्जिन जो है उसमें भी गिरावट हुई है, 33% से गिर के सीधे 13% पे आए हैं। जो इस कंपनी का एयरपोर्ट रेवेन्यू था वहां पे एक बड़ा हिट देखने मिला है, एक्सेप्शनल लॉस भी कंपनी को हुआ है करीब 850 करोड़ के आसपास का, लेकिन काफी कमजोर नतीजे 1120 करोड़ के आसपास का टोटल नुकसान है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ भी नतीजे थोड़े कमजोर है, जो मुनाफा के आसपास है, साथ ही साथ कंपनी ने और एक जानकारी 10% बढ़ा है और मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। न्यू इंडिया एश्योरेंस यहाँ पे मुनाफा जो है 6% बढ़ा है, ग्रॉस प्रीमियम में करीब 12% के आसपास की बढ़ के सीधे 17.5-18 करोड़ के आसपास आ चुका है। गुड़ियार इंडिया यहाँ भी नतीजे अच्छे, टायर कंपनी है, मुनाफा 4 टाइम्स हो चुका है। SMS लाइफ साइंसेस यहाँ पे घाटे से कंपनी मुनाफे में आ चुकी है, 2.7 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल्स यहाँ भी नतीजे अच्छे, 23.9% से बढ़ के 30%। नियोजन केमिकल अच्छे नतीजे, मुनाफा 3.5% बढ़ा है, मार्जिन में भी हल्की बढ़ोतरी देखने मिली है। और अलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आई है, पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.70 करोड़ का घाटा किया था, इस बार 3 करोड़ का मुनाफा।